हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके सामने सेवन्थ क्लास की हनीकॉम का फिफ्थ चैप्टर का सेकंड पार्ट लेकर आपके सामने हूँ। और चैप्टर का नाम है क्वालिटी, इसका सेकंड चैप्टर। आइए सबसे पहले अपन इसकी वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। रिमार्क, टिप्पणी, बीस, टुकड़ा, एडमायर, प्रशंसा करना, डैम, ये डैम से बना हुआ है, उनको कन्वीनियंटली सुगमतापूर्वक, ब्रदर भाई, मरमर बुदबुदाना, फॉगेट भूल जाना, ऑकेजन मौका, क्रीक्ड बूटों की आवाज़, एक्सपेक्टिंग आशा करते हुए, विड्रॉ वापस लेना, क्वालिफाई पास करना, हंटिंग ढूंढते हुए, ग्रेव गंभीर, मेंशन जिक्र किया, जेंडम बैक वापस भेज दो, लोकेट जांच करना, एब्सेंट माइंडेडली बिना ध्यान दिए हुए, इमरजेंसी आपात स्थिति, लार्ज फर्म बड़ी दुकान, पेनेरेटिंग भेजती हुई, इन्फीरियर निम्न स्तरीय, टोन लहजा कंटेम्प्ट तिरस्कार, क्वाइट शांत, फ्रॉज जमा दिया, डॉज वे वर्म्स बड़ी दुकानें, एव रखना बिटरली निराशा से, सेल्फ रेस्पेक्ट आत्मसम्मान, डिस्कस चर्चा, हार्डशिप्स मुश्किलें, ट्रेड व्यवसाय। आइए इस लेसन को शुरू करते हैं। सून ही वुड कम बैक होल्डिंग इन हिज हैंड ए पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर। शीघ्र ही वो अपने हाथ में एक सुनहरे भूरे रंग का चमड़े का टुकड़ा पकड़े हुए अंदर वापस आया। विद आईज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क व्हाट ए ब्यूटीफुल पीस। उस चमड़े के ऊपर अपनी निगाह टिकाते हुए वह उसने कहा, कितना सुंदर टुकड़ा है। When I too had admired it, he would speak again। जब मैं उसकी प्रशंसा करता तो वो फिर से कहता, When do you want them? वे तुम कब चाहते हो। When do you want them? यानी want। And I would answer, तो मैं जवाब देता, उत्तर देता, Oh, as soon as you conveniently can। ओ, आप जितनी सुविधा पूर्वक जितना जल्दी दे सकते हैं उतना ही जल्दी। एंड ही वुड से, और फिर वो कहता, टुमारो फोर्ड नाइट, कल 15 दिन बाद, कल से 15 दिन बाद। और इफ वी वर द एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माय ब्रदर, तब मैं बुदबुदाता, आपका धन्यवाद। देन आई वुड मर्मर, तब मैं बुदबुदाते हुए कहता, थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, सुबह की नमस्ते मिस्टर गैसलर, मिस्टर गैसलर सुबह की नमस्ते। ही वुड रिप्लाई, तो वो उत्तर देता, स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, अपने हाथ में चमड़े के टुकड़े पर दृष्टि रखते हुए वो उत्तर देता, सुबह की नमस्ते। एंड एज आई मूव टू द डोर, और जब मैं दुकान के दरवाजे पर पहुंच जाता, आई वुड हियर द टिप टैप ऑन हिज स्लीपर गोइंग अप द स्टेयर्स टू हिज ड्रीम ऑफ बूट, तो मुझे उसकी चप्पलों की टप टप की आवाज़ सीढ़ियों पर चढ़ने की सुनाई देती, और फिर वह अपने बूटों के स्वप्न में चला जाता, अर्थात बूटों की दुनिया में खो जाता। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से टू हिम मिस्टर गैसलर दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रीक्ड, यू नो, मैं उस दिन को भूल नहीं सकता जब मुझे उसे ये कहने का मौका मिला कि मिस्टर गैसलर, आपको पता है कि पिछले एक जोड़ी बूट चरचर की आवाज़ करते हैं। ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विदड्रॉ और क्वालिफाई दी स्टेटमेंट, देन सैड आई वुड शुडंट हैव ग्रीक्ड। कुछ समय तक वो बिना उत्तर दिए हुए मेरी ओर देखता रहा, जैसे वो ये आशा कर रहा हो कि मैं अपनी बात को वापस लूँगा या इसमें कुछ अन्य बात जोड़कर प्रस्तुत करूँगा। फिर वो बोला, इसमें से चरमराट की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इट डिड आई एम अफ्रेड, मुझे खेद है कि उसमें से ऐसी आवाज़ आई। यू गॉट डैम बैड बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स, तुमने उन्हें उनकी सही स्थिति में आने से पहले ही भिगो दिया होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। एट दैट ही लोअर्ड हिज आइज,
इस बात पर उसने अपनी दृष्टि नीचे कर ली। एज ई फंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मैंशनड दिस ग्रीव थिंग, जैसे मानो कि वह उन बूटों को याद करने की कोशिश कर रहा हो और तब मुझे दुख हुआ और मैंने इस गंभीर बात को उसे बताया। सेंड देम बैक ही सैड, उसने कहा उन्हें वापस भिजवा देना। आई विल लोकेट डैम, मैं उनकी जांच करूंगा। जोम बॉन्ड्स ई कंटिन्यूड स्लोली, वे धीमे से कहता, ही कंटिन्यूड स्लोली आर बैड फ्रॉम बर्थ, कुछ बूट जन्म से ही बुरे होते हैं। If I can do nothing with them, I take them off your bill. यदि मैं उन बूटों को ठीक न कर सका तो उनकी कीमत आपको वापस लौटा दूंगा। Once I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. एक बार मैं बिना ध्यान दिए उसकी दुकान पर गया। मैंने जल्दी से किसी बड़ी दुकान से क्रय किए हुए जूते पहने हुए थे। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर एंड आई कुड फील हिज आइज पेनिट्रेटिंग द इन्फीरियर कवरिंग ऑफ माई फूट, मेरे आते ही उन्होंने मेरा ऑर्डर बिना कोई चमड़ा स्वीकार कर लिया था और मैंने महसूस किया कि उसकी दृष्टि मेरे पैरों में निम्न स्तरीय बूटों को परख रही थी। एट लास्ट, अंत में ही सैड, उसने कहा दोज आर नॉट माई बूट्स, ये मेरे बूट नहीं है। The tone was not one of anger nor of sorrow not even of contempt but there was in it something quite that froze the blood, उसके बात कहने के लहजे में न तो गुस्सा था न दुख था न ही नफरत थी परंतु उसमें कुछ ऐसा था जिसने रक्त को जमा दिया। He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable, उसने अपना हाथ नीचे रखा और उसने उस स्थान पर उंगली दबाई जहाँ पर बायां बूट बिल्कुल भी आरामदायक नहीं था। आई डोंट यू डेयर ही सैड, उसने कहा क्या तुम्हें यहाँ से चुपता है। डोज बिग वर्म्स हैव नो सेल्फ रेस्पेक्ट, बड़ी दुकानों का अपना कोई आत्मसम्मान नहीं होता। एंड देन, और फिर एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम ही स्पॉक लॉन्ग एंड बिटरली, और तब मानो कि किसी ने उसके अंदर ही सारा रास्ता दिखा दिया हो, जैसे कोई चीज़ उस बूट में टूट गई हो और उसका पता उसने लगा लिया हो। ही स्पॉक लॉन्ग एंड बिटरली, वो बहुत देर तक क्रोध व निराशा से बोलता रहा। इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हियर्ड हिम डिस्कस द कंडीशंस एंड हार्डशिप्स ऑफ हिज ट्रेड, यही केवल एकमात्र समय था जब उसने अपने व्यवसाय की कठिनाइयों और हालातों पर चर्चा की। दिस लेसन हैज़ बीन ओवर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।